आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं यही बोल रहा था। क्या रिलीजियस मैटर, रिलीजियस से क्या लेना देना, सब कोई आदमी इंसान है, नॉर्मल रहते हैं हम लोग, रिलीजन से कोई मैटर नहीं। जो है ना, चल दिया यार तू, कोई इंटरेस्ट नहीं रिलीजन, मैं पॉलिटिक्स उल्टी से मुद्दा नहीं, मुझे बस अपना काम से मतलब। अपना क्या काम करते? पढ़ाई करता हूँ मैं बस, और क्या, अपना मस्त। पढ़ाई क्या, कौन चीज? फार्मा कर रहा हूँ। बिना पॉलिटिक्स की जानकारी के कौन पढ़ाई देश में हो पाएगी यार? फार्मा कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से क्या इंटरेस्ट, मैं अपना काम खा, घर से पैसा आता, पढ़ाई करता हूँ, अपना खाता हूँ, रहता हूँ। फार्मा करके सरकारी नौकरी पाओगे कि प्राइवेट या सरकारी तय करेगी? भी फार्मा करके मुझे नौकरी करना है नहीं, अपना बिजनेस करना है। दवा की दुकान खोलोगे? अब दवा का दुकान खोलते हैं, स्टॉकिस्ट बनते हैं, वो मेरे पे डिपेंड करता है क्या करना है नहीं करना, पहले कम्प्लीट हो जाए। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार में ये जो सरकार बदली है उसके बाद कुछ युवाओं का तकदीर बदली, सुने बड़ा नौकरी दे रही। हाँ, बदला है। पटना गांधी मैदान में सबको नियुक्ति पत्र मिला, नौकरी भी दिया गया वहाँ पे, अभी वैकेंसी भी बहुत आया है बिहार में। तो ये सही भर्ती हो रही है कि कुछ धांधलीबाजी भी है? भर्ती तो सही हो रहा है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप तो सुनने तो सब अब करप्शन तो हर जगह, लेकिन लोग बता रहे हैं कि भर्ती कायदे की हो रही है कुछ। हाँ, भर्ती तो सही हो रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त सबका भी हुआ है, एग्जाम दे के पास हुआ है। उत्तर प्रदेश वाले भी खूब नौकरी पा रहे हैं उधर? हाँ, उधर सब। अभी तो उत्तर प्रदेश क्या, उड़ीसा का भी आता है, बहुत जगह का आ रहा है, कहाँ दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, हर जगह का लड़का सब जाता है बिहार। हम गए तो बता रहे थे यूपी। हाँ जी, आप बताएं। मैं क्या बताओ यार, देश के युवा क्या सोचते हैं, मैं आज यही जानने के लिए आया हूँ। बोलो। युवा है, बोलिए। बहुत बढ़िया है, जो भी है। क्या बढ़िया है? वही शिक्षा उक्षा के मामले में बिहार, अभी तो ठीक है। छोड़ो, देश का बताओ। देश का तो चल ही रहा है, देश का तो आप भी देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं। युवा क्या, वही तो युवा अपना पढ़ाई में है। देश का पहले क्या है ना, इस साल से क्या हो गया ना, अभी 3-4 साल से पहले हम लोग भी मतलब पहले इतना हम लोग ये सब नहीं सुनते थे, हिंदू मुस्लिम ये सब, अभी इधर आके इतना हो गया ना, हिंदू मुस्लिम। पहले ये सब कुछ नहीं था, पहले हम आराम से सबको रहता था, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ जाओ वहाँ हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम हो रहा तो उससे चर्चा करने से कुछ होता है? जमीन पर कुछ है उसका असर? कुछ नहीं है, कोई असर नहीं है। बस यहाँ पे मतलब मीडिया वाले के सामने बोलते हैं, बाकी बात जमीन पे कोई असर नहीं है। जमीन पे तो कोई मतलब मीडिया वाले के सामने आकर बोल देते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला बात बोल देते हैं, बाकी बात तो सब ऐसे साथ में रहते हैं, नॉर्मल ही। सब देश में ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, आप लोग कहाँ से? यहीं से काम करते हैं सर। सीपी से ही हूँ। बोलिए। मैं जो है यार, आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती है, तो मैंने सोचा आज युवाओं से बातचीत की जाए। तो आपका क्या विचार है आज की देश के, समाज के और सियासत के बारे में, देश का युवा क्या सोचता है? देश का युवा सर ठीक है, मेहनती युवा है इंडिया का, और काम कर रहा है सही तरीके से, चल रहा है सब, समाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और मतलब जो भी हमारे जो आइडल थे उनको भी रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। आपने देखा होगा राम मंदिर भी अभी बन रहा है ना, और मतलब सही चल रहा है सारा कुछ। राम मंदिर? हाँ, और क्या। देश का युवा राम मंदिर के बारे में क्या सोचता है? देश का युवा और सारे कोई मतलब राम मंदिर के बारे में सोचना क्या है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, उसमें मतलब सोचने क्या बात है, रिस्पेक्ट वाली बात है, वो तो प्राउड की बात है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उस मंदिर को लेकर के सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, वोटों की गणित हो रही है। तो जिसने कभी अपने मैनिफेस्टो से नहीं हटाया उसको, उनको तो मिलना चाहिए, उसका मतलब जो भी फ़ायदा है उनको मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने 1990 से और उसके पहले से भी अपने मैनिफेस्टो से नहीं हटाया, तो उनको मिलना चाहिए, है ना। श्रेय, अगर श्रेय की बात होती है तो मिलना चाहिए उनको। अच्छा, राम मंदिर। लेट हो रहा हूँ मैं, बाहर निकला था थोड़ा। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? किसके बारे में? आपने बोला है मैं खाली युवाओं को ही खाली पूछूंगा। असल में क्या है मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बोलना चाहे तो उसको रोक है, मेरा तो चलते फिरते लोगों से कार्यक्रम रहता है, जो चाहे वो बोले। चूंकि आज नेशनल यूथ डे है, 12 जनवरी, विवेकानंद जी की जयंती है, तो मैंने सोचा देश के युवाओं से आज बात की जाए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, और आप तो खुद ही देख के युवा ही लग रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपके चैनल रोज शाम को देखता हूँ अनफेलिंगली, और उसमें हाँ, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ योर नेचुरल स्टाइल, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, कोई स्पेसिफिक सवाल है, मैं उस पर जरूर। सर, इसका तो शुक्रिया, हमारी बात छोड़िए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जब आप युवा थे, आज के जी, अब उम्र बताना ठीक नहीं, युवा बोली दिया आपको, जब आप यूथ थे,
जब आपके यंग डेज थे और जब आज के यूथ को आप देखते हैं, तो आप बेसिक फर्क क्या महसूस करते हैं देखने में? देखिए, इस जनरेशन में वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ये जनरेशन इज टोटली वेरी डिफरेंट. जो हम लोग, हमारी जनरेशन भी थी, वी आर ए सैंडविच जनरेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट नाउ. ये जनरेशन खाली अपना काम देखती है, अपने मतलब से जो काम करना है उससे करना है. बाकी जो वैल्यू सोसाइटी में डिके हो रहा है, जनरल हो रहा है, वो तो ये जनरेशन में नज़र आ रहा है. यहाँ पे आप करॉट प्लेस में भी ये देख सकते हैं. बाकी रहा कुछ पॉलिटिकल इशू पे, इट्स नॉट वेरी सेफ टू टॉक ऑन दिस चैनल. अरे आप जो चाहे बोले, ऐसा कुछ भी नहीं. देश की सियासत के बारे में आप जो राय रखते हैं वो आप बोलिए. अब शब्दों को छोड़ करके मेरे साथ बातचीत में आप जो कुछ भी बोलेंगे वो ऐसे ही मैं दिखाने के. अब शब्द नहीं बोलने का सवाल ही नहीं है. लेकिन ये जरूर, जैसे आपने अभी किसी से बात कर रहे थे, तो राम मंदिर को लेके एक तो उसका टाइमिंग जो है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई जा रही है. एंड आई थिंक दिस कंट्री इज बीइंग डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइंस नाउ, जो कि शायद अच्छी बात नहीं है. मैं आपको बताऊं, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कार्यक्रम निकालने वाले दो ज्योतिषी, या जिनको आप कह लीजिए कि मुहूर्त निकालने वाले विद्वान जो लोग थे, बनारस में सबसे पहले मैंने उन्हीं लोगों को खोजा और उनसे मैंने बात की. अच्छा। वो दो भाई हैं, बनारस के तट पे रहते हैं. बहुत कम लोग इसके पहले जानते थे. वो शिलान्यास का मुहूर्त भी उन्होंने निकाला था. और उन दोनों भाइयों ने मुझे वो चिट्ठी दिखाई जिसमें कि उनसे ये आग्रह किया गया था कि फरवरी के पहले ही प्राण प्रतिष्ठा का आप मुहूर्त निकालिए. तो ये कन्वे करता है कि इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, और ये जो फरवरी से पहले इसका वो निकालिए, मुहूर्त निकालिए, दैट गोज टू प्रूव कि वो जो आप बात कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिसाइज, इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है. टाइमिंग है इसके अंदर डेफिनेटली. तो राम मंदिर कंप्लीट तो नहीं हुआ, आज भी वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है. कंस्ट्रक्शन तो आज भी चल रही है. आपको रोकिए, एक आ गई बच्ची और यूथ. मैंने आपको कहा ही था आज यूथ का डे है और आप रुक गई. ये बहुत खुशी की बात है. अब तुम बोलो. मुझे मालूम है कि तुम रुकी हो तो तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट है, तुम बोलना चाहती हो, बोलो. हाँ जी, तो आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम जो ये बोल रहे हैं कि द टाइमिंग इज़ वेरी मच मैच्ड विद द पॉलिटिकल एजेंडा. सो आई टोटली अग्री. बट एक बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा चाहिए हमें कि राम मंदिर बन रहा है. एंड वी शुड फील प्राउड एंड वी शुड टेक प्राइड इन टेलिंग दिस टू अदर पीपल. वी शुड सेलिब्रेट दिस. सो दिस इज़ अ वेरी बिग एंड आइकॉनिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो हैट्स ऑफ टू द मोदी गवर्नमेंट. That's what I think. तो politicize कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं. I think that I have a very neutral stance. पहले तो हिंदी बोला, हमारा गांव देहात में चैनल है. जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक बहुत ही बीच का एक ओपिनियन है इस बारे में, नजरिया है. मुझे ऐसा लगता है कि इट इज ऑल्सो पॉलिटिसाइज बट आई ऑल्सो फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी संस्कृति है. तो ये मेरा ऐसे बीच का नजरिया है कि मुझे लगता है कि एक जगह. अच्छा, तो आप ये कह रही हो कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं. हाँ. ये एक बात है और दूसरी बात ये है कि उसे उनका फायदा भी मिलना चाहिए. हाँ, और ये बड़ा काम भी हो. हाँ, ये हमारे लिए भी तो एक गर्व की बात है.